नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमूला ने सत्ता में बैठे लोगों पर राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया। जयेंद्र रमूला ने एक होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि सत्ता में बैठे कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को देख छवि धूमिल करने के प्रयास में लगे हैं, जबरन बिना किसी ठोस कारण के उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। ऋषिकेश के कांग्रेस जनों ने जयेंद्र को संघर्ष करने के लिए समर्थन दिया है। कांग्रेसियों ने एक स्वर में कहा कि भाजपा के झूठे मुकदमे से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। इसके अंदर ये सब देखा जाता था कि भाजपा के लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजने का कारण उन पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया था। अब ऋषिकेश, उत्तराखंड और ऋषिकेश में भी ये राजनीति शुरू हो गई है। मेरे पे अब ये तीसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है पिछले एक साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आयोग को स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को सुनकर फैसला लेना चाहिए था, लेकिन आयोग ने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा। उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ इसमें भाजपा के नेताओं का। और मैं तो सबसे ज़्यादा, मेरा पूरा अंदेशा है कि क्षेत्रीय विधायक का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उससे पूर्व भी उन्होंने मेरे पे एक ही काम के लिए दो थानों में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते हैं, क्षेत्रीय विधायक अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते हुए देखते हैं, डर के मारे इस तरह के मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, जो लोग मेरे पर खंभे पर प्रचार सामग्री लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जो लोग मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने कर सकते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं मेरे पे हमला भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी करवाने की साजिश रच सकते हैं, हत्या भी करवा सकते हैं। तो मैं कतई भी इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ किसी भी तरह की कोई घटना होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अपराधी भी शामिल हैं, मेरे पे कोई घटना होती है तो इन सब के पीछे ये है और साजिशकर्ता ये लोग होंगे। वो तो अब कहाँ से रखना ही है, तो हम कभी बिठाते नहीं। कांग्रेस से उनसे कोई मतलब भी नहीं है, उनसे कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, और आज से पहले भी कभी कोई मतलब, और शहर के लोगों ने भी दुत्कार के किनारे खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए उनको अपने पास बिठाते हैं, अपनी कमाई के लिए अपने पास बिठाते हैं, और दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, हम जैसे लोगों, कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं।